सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। एलसीआर, एल का मतलब था इंडक्टर्स जिसको हम प्रेरक कुंडली बोलते हैं, सी का मतलब था कैपेसिटर संधारित्र, और आर का मतलब था रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, एक ही लाइन से जुड़े हुए। इसका वोल्टेज वीएल है, कुंडली जो होती है या इंडक्टर होता है उसका वोल्टेज उसके सिरों के बीच का वोल्टेज हमने वीएल माना, कैपेसिटर के सिरों के बीच के वोल्टेज को हम वीसी मानते हैं, और प्रतिरोध के सिरे के बीच के वोल्टेज को हम वीआर मानते हैं। इनके बीच में हमने एक वोल्टेज लगाया है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है, ये एसी वोल्टेज कहलाता है। वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन होती है, समीकरण होती है। जब भी कोई एसी वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, तो उसका एक सिंबल होता है, इस तरह से वेरिएशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं सिंबल को, और जो वोल्टेज जाता है इसके अंदर आरोपित होता है, अप्लाई होता है, उसको हम V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैंने कल आर एफ बना रखा है, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं। कल आर एफ, ये कल आर एफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसको अच्छी तरह समझना है कि किसी परिपथ में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, तो धारा और प्रतिरोध, करंट और रेजिस्टेंस, जो हमारे पास वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस का, वो एक ही एक्सेस पे आते हैं, एक ही अक्ष पर आते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं होता है, मतलब समान कला में होते हैं, यानी कह सकते हैं 0 डिग्री का कलांतर होता है। क्या होता है कि जब किसी सर्किट में क्या जुड़ा हो, केवल प्रतिरोध आर जुड़ा हो, तो करंट आई और वोल्टेज वी आर, वी आर और आर, वी आर और आर के बीच में 0 डिग्री का कलांतर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही अक्ष पे आ रहे हैं, इसलिए इसको कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस, कौन आगे है कौन पीछे है, ये उसका क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। लेकिन दोनों एक ही अक्ष पे आ रहे हैं इसलिए इनके बीच में कलांतर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरी चीज अपने ध्यान रखना है कि यदि वी एल और आई की बात करते हैं, हम वी एल और आई की बात करते हैं, तो यहाँ कितने डिग्री का कलांतर है, 90 डिग्री का। वी एल और आई, ये VL है और ये R है, तो VL और I के बीच में कितने डिग्री का कलांतर है, 90 डिग्री का कलांतर है। अब देखो VL पहले आ रहा है और I बाद में आ रही है, इसका मतलब ये वोल्टेज आगे होगा और ये धारा क्या होगी, पीछे होगी। कितने डिग्री से पीछे होगी, 90 डिग्री से। वोल्टेज कितने डिग्री से आगे आ रहा, 90 डिग्री से आगे आ रहा। तो VL और यदि I है तो वोल्टेज आगे और धारा पीछे, यानी वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चिमगामी। कितने एंगल से अग्रगामी, 90 डिग्री से। कितने से पश्चिमगामी, 90 डिग्री से। इसी प्रकार से यदि VL और I की बात करते हैं, VL और I की बात करते हैं, मान लो VL और I की बात, ये हो गई, ये VC वोल्टेज है नीचे वाला, इसको VC वोल्टेज माना हमने। VC और I की बात करते हैं, इसमें देखो VC और I के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 का था। अब इसमें देखो VC बाद में आ रहा और करंट पहले आ रहा, ये पहले आ रहा है उसके बाद में इधर आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब करंट आगे होगा, धारा आगे होगी और वोल्टेज पीछे होगा। आगे हो तो उसको अग्रगामी बोलते हैं और पीछे हो तो उसको पश्चिमगामी बोलते हैं। अग्रगामी मतलब लीड करना और पश्चिमगामी मतलब बैक होना, पीछे लेफ्ट। अब इसमें करंट आगे आ रहा, करंट आगे पहले आ रहा और वोल्टेज पीछे आ रहा, इसलिए करंट का क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा और उसके बाद वोल्टेज जो हो पीछे होगा 90 डिग्री से। कब, जब कैपेसिटर जुड़ा होता है। अब इन तीनों वोल्टेज की बात करते हैं, तो VL और VR के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। VR और VC के बीच में कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का। तो VL और VC के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। तो तीनों वोल्टेज के बारे में अपन बता सकते हैं कि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर, VR और VC के बीच में 90 डिग्री का कलांतर फेज डिफरेंस। तो VL और VC के बीच में देखो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो जब एक लाइन पे आते हैं तो कलांतर 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से, एक ऊपर एक नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण से इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम ये फेज डिफरेंस फेज डायग्राम है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना, ताकि हमारे आने वाले जो क्वेश्चन है उसको हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कौन आगे है कौन पीछे है। तो ये हमारे पास यदि हम यहाँ वोल्टेज लगाया, मान लो V, तो
तो क्या होगा, इसमें करंट आए प्रवाहित होगी, आय धारा जाएगी। अब ये तीनों एक ही लाइन से जुड़े हो, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में, उस श्रेणी क्रम में क्या होता है कि करंट जो होता है वो सभी में सेम चलता है, एक समान जाएगा। यदि यहां से आय करंट प्रवाहित किया है सोर्स से, तो ये जो आई करंट है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो आई करंट इसमें भी सभी में सेम जाएगा, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम यदि है हमारे पास, तो श्रेणी क्रम में सीरीज में करंट हमेशा सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। परंतु वोल्टेज, यहाँ से हमने जो वोल्टेज दिया है ये वी, ये वोल्टेज क्या होगा, कुंडली का अलग होगा, संधारित्र का अलग होगा और प्रतिरोध का अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल अलग अलग है, अलग अलग जुड़े हुए टर्मिनल से है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो जाएगा कुंडली में, कुछ यहाँ हो जाएगा और कुछ यहाँ हो जाएगा, तीनों को डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हमने वोल्टेज वी दिया है, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें कुंडली का वोल्टेज वी एम मान लेंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो गया, कुछ वोल्टेज यहाँ हो गया ड्रॉप खर्च हो गया और कुछ वोल्टेज यहाँ पे खर्च हो गया। तो यहाँ से हमने जो वी वोल्टेज दिया है तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा, कुंडली का वी एम, कैपेसिटर का वी सी और प्रतिरोध का वी आर। तो ये तीनों वोल्टेज के मान हम निकालेंगे। वी आर इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है, वी आर इक्वल टू आई आर। तो यहाँ का वोल्टेज निकालिए, फिर वी एल, वी एल इक्वल टू आई एक्स एल होता है, आई आर होता है ओम्स लॉ। लेकिन यदि एल या सी जुड़ा हो, जब भी किसी सर्किट में क्या हो एल या सी जुड़ा हो, तब उस कंडीशन में हम प्रतिरोध नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर प्रतिघात लिखेंगे, रिएक्टेंस लिखेंगे और उसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यदि कुंडली हो तो इस आर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स एल लिखना है, और यदि संधारित्र हो इस आर के स्थान पर एक्स सी लिखेंगे। इस आर के स्थान पर ही अपने को लिखना है, कब कुंडली हो तो एक्स एल लिख देना और संधारित्र हो तो एक्स सी लिखेंगे। ये एक्स एल और एक्स सी जो होती है वो प्रतिघात कहलाते हैं, रिएक्टेंस कहलाते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, ये भी धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावटें डालती है। दोनों, ये कुंडली के कारण से धारा के मार्ग में रुकावट डालेगी और ये जो है वो संधारित्र के कारण से धारा के मार्ग में रुकावट डालेगी। तो ये दोनों जो है वोल्टेज अपने को लिखना, वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, आर के लिए एक्स एल लिख देना और यदि सी दिया हो तो आर के लिए एक्स एल लिख देना। ये चीज ध्यान रखना, कब जब कुंडली दी हो तब एक्स एल और जब संधारित्र दिया था एक्स एल लिखना। अब देखो वी एल और वी सी के बीच, VL और VC, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का, एक ऊपर एक नीचे। जब एक ऊपर और एक नीचे दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन होती तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है एंगल। तो यदि 180 डिग्री का एंगल है तो हम इसका फेज डिफरेंस कैसे परिणाम कैसे निकालेंगे, ये पिछला वीडियो मैंने बता रखा है। तो 180 डिग्री का जब भी एंगल हो तो क्या करना है कि इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस कर देना, क्योंकि cos 180 डिग्री का माइनस वन होता है और वो माइनस वन रखते हैं तो हमारे पास r इक्वल टू आ जाता है a1 माइनस a2। रिजल्ट है हमारे पास में जो फार्मूला आता है पिछला वीडियो बता रखा मैंने, इसको सॉल्व करके r इक्वल टू होता है a1 माइनस a2। ये रिजल्ट निकालने का फार्मूला होता है, जब भी दो यदि वेक्टर है हमारे पास एक ऊपर एक नीचे और उसका रिजल्ट निकालना अपोजिट डायरेक्शन होती है तो बीच में माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हम किसका रिजल्ट निकालना, वी एल और वी सी का, वी एल और वी सी का रिजल्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। अब ये वी एल है ये वी सी है, मान लो वोल्टेज ज़्यादा है, मान लो 20 वोल्टेज है और ये 10 वोल्टेज है, पाँच उदाहरण के लिए ये 20 और ये 10 है, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, ये 10 वोल्टेज हो गए, रिजल्ट हमारे पास ऊपर आएगा क्योंकि ज़्यादा है। वी एल में से वी सी को हम माइनस कर देंगे, ये वाली जो एक्सेस है हमारे पास इसको हमने हटा के रिजल्ट बता रहे हैं वी एल माइनस वी सी। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया वी एल माइनस वी सी और ये वोल्टेज हमारे पास वी आर है। अब ये वी एल माइनस वी सी और वी आर इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा, इसमें इसमें भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। तो अब इसका रिजल्ट निकाले अपन मान लो लाइन खींच के, तो रिजल्ट कैसे निकालते, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आई का मान 90 डिग्री रख देते हैं तो आर का मान हमारे पास में आता है आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ये फार्मूला आता है पिछला वीडियो देखना अच्छी तरह से,
उसमें मैंने सबके निकाल रखे रिजल्ट आर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर। तो ए वन क्या है यहाँ पर, एक को ए वन मान लो वी आर को और इसको ए टू मान लो, तो रिजल्ट निकल जाएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर यानी वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहाँ दो होते हैं, एक वी आर है और एक वी एल माइनस वी सी है। तो ये वी आर मतलब ए वन मान लिया और इसको मैंने ए टू मान लिया, तो ए वन स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। वी आर का मान रख देंगे यहाँ से, वी आर इक्वल टू आया, वी सी का मान रख देंगे और वी एल का मान रखते हैं, तीनों के मान रखते हैं, वोल्टेज के ऊपर हमने लिख रखे हैं। जैसे आई स्क्वायर को दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ आई है लेकिन ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उसमें वो बाहर आ जाए। आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेके इसको अपान में लिख देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये यहाँ तक अपने को सॉल्व करना है। उसके बाद वी बाय आई, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वी बाय आई रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ से, ओम्स के नियम से। परंतु हमारे पास तो तीन फैक्टर, तीन कंपोनेंट जुड़े हैं, आर भी है, एल भी है और सी भी है। तो जब किसी परिपथ पर तीन अवयव जुड़े हो या दो जुड़े हो तब प्रतिरोध नहीं लिखना है, उसको हम बोलते प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स एक साथ यदि आ जाते हैं तो उस परिपथ के कारण से जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। और इसको अपन आर ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे। जेड कब लिखना, जब दो या तीन कंपोनेंट आ जाए, आर एल सी या तीन हो, इसलिए उसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, परिपथ की प्रतिबाधा बोलेंगे। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा, इसको हमने जेड पुट कर दिया, जेड इक्वल टू आ गया। अब एक्स एल का मान हमने पढ़ा था ओमेगा एल होता और एक्स सी का मान वन बाय ओमेगा सी होता, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों को। अब यदि कलांतर निकालना हो वोल्टेज और करंट के बीच में, मान लो कि हमारे पास में वी आर इक्वल टू आई आर होता करंट, और मान लो कि वोल्टेज हमने निकाला वी रिजल्टेंट, इस धारा इस अक्ष के साथ में या वी आर के साथ में कितने एंगल बना रहा, करंट के साथ में 5 डिग्री का एंगल बना रहा, तो आई और वी के बीच में कितने डिग्री का कलांतर हमने मान लिया 5। आई क्या होता है, कलांतर, फेज डिफरेंस। इसका मतलब ये जो है करंट और वोल्टेज के बीच में 5 डिग्री का अंतर है, मतलब आगे पीछे चल रहे तो एक साथ नहीं चल रहे। तो ये जो कलांतर हमने 5 माना है, ये क्या है, करंट और वोल्टेज, धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर है, फेज डिफरेंस है। तो इसको हम मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टेन फाइव का फार्मूला लगा, टेन फाइव यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो लंब, ये लंब, लंब मतलब ये वाला वोल्टेज, ये लंब और ये बेस आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा लंब है, ये वोल्टेज वी एल माइनस वी सी ये वाली अक्ष, और बेस कौन सा वोल्टेज, वी आर वोल्टेज, तो परपेंडिकुलर ये और बेस है, तो परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। यहाँ से हम टेन फाइव का मान निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, टेन फाइव का मान वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, वी एल और वी सी और वी आर तीनों के मान कर दिए यहाँ पर। और इसको हम कॉमन ले लेंगे आई को, आई को कॉमन लेने के बाद नीचे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव इक्वल टू ये आ जाएगा टेन इनवर्स के रूप में। अब यदि करंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, माइनस लिखना कि फाइव प्लस लिखना। अब देखो इसमें ये वोल्टेज पहले आ रहा है और करंट बाद में आ रही है, वोल्टेज पहले और करंट क्या आ रही है, बाद में आ रही है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। फेज डायग्राम से अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, ये वोल्टेज पहले और उसके बाद में करंट आ रहा है, इसका मतलब करंट पीछे है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज की समीकरण तब लिख दी वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसको तब फिक्स कर दिया। अब बचा हुआ क्या है, करंट है, तो करंट के इक्वेशन में फाइव जो वोल्टेज पहले है और करंट क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, कितने एंगल से, फाइव एंगल से। तो जब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें कितने एंगल माइनस कर देंगे, फाइव माइनस कर देंगे, इसका मतलब करंट जो है वो फाइव एंगल से पीछे वोल्टेज से। तो इस तरह से ये हमारे पास करंट की इक्वेशन हो जाएगी। यदि आई जीरो का मान निकालना आप लोग, आई जीरो इक्वल टू वी अपन आर होता, आई इक्वल टू वी अपन आर होता, ओम्स लॉ ने पढ़ा था, आर की जगह जेड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि तीन कंपोनेंट जुड़े, प्रतिरोध भूल जाओ, जब भी रेजिस्टेंस आए तो जेड ही लिखना, कंपोनेंट जेड, ये जेड
ज्योति प्रतिबाधा कहलाती है, आई जीरो धारा का मैक्सिमम मान अधिकतम मान कहलाता है, वी जीरो वोल्टेज का अधिकतम मान कहलाता है, जेड प्रतिबाधा कहलाती है। तो आई जीरो इक्वल टू वी जीरो बाई जेड हो जाएगा और वी जीरो का मान हमने निकाला था, जेड का मान हमने निकाला था, यहाँ पर ये जेड का मान यहाँ रख देंगे, ये आई का मान निकालने का बोले तो वी बाई जेड होगा, आई इक्वल टू वी बाई जेड। आई धारा का तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियसली वैल्यू होती है, आई जीरो धारा का मैक्सिमम मान होता है अधिकतम मान होता है, और एक होता है धारा का आरएमएस वैल्यू वर्ग माध्यमूल मान और उसका मान होता है आई जीरो बाय रूट टू होता है, इसको आई जीरो बाय रूट टू लिख लो, आई जीरो बाय रूट टू होता है। तो इस तरह से ये तीनों धारा के मान होते हैं, कौन कौन से मान, तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक का मतलब ये होता है बदल रही है, चेंज हो रही है किसी भी क्षण पर उसका, किसी भी इंस्टेंटेनियसली किसी भी समय पर मान हम देखते हैं उस मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। जैसे मान लो ये करंट इस तरह से चलता है तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी किसी भी क्षण पर, तो हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जी जब चलती है तो यहाँ पे एक मैक्सिमम पीक वैल्यू आती है, ये वाली ये वैल्यू, इसको आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एवरेज वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आई आर एम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीन टर्म्स में ध्यान रखना, धारा का तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियसली वैल्यू, आर एम एस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, धारा का तात्क्षणिक मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो तीनों मान हमें को सॉल्व करते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।